हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाबन, सत श्री अकाल। मैं सुशंकर तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ का आज कटअप लेके आया हूं, जो कि यहां पे रिवाइज रिजल्ट के बाद क्या हुआ कटअप, उस कटअप को यहां पे डिसाइड किया गया। ऑनलाइन सर्वे कराया गया है लोगों से, ताकि एकदम एक्चुअल जो कटअप हो सकता है उसे यहां पे बताया जा सके। इसीलिए 90% की एक्यूरेसी हम यहां पे मेंटेन करते हैं। आठवीं आरआरबी है यहां पे, लोगों ने कमेंट किया था, आपने अपने मार्क्स शेयर किए थे, डेफिनेटली उन चीजों को बिहार पे ये जोन वाइज कटअप में आपको कटअप दिया जा रहा है। तो एएलपीएन टेक्नीशियन के जितने भी कैंडिडेट हैं और जितने भी आरआरबी है, सभी लोग अपना अपना मार्क्स शेयर करिए, अपने आरआरबी का नाम बताइए, जिस आरआरबी के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उस आरआरबी का डेफिनेटली यहां पे जोन वाइज कटअप डिसाइड करके आपको एक्सपेक्टेड जो होगा, जो 90% की एक्यूरेसी होगी, जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने का, वो डिटेल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो कटअप आपको यहां पे दिया जाएगा। और साथ में हम आपको सारी चीजें ये भी बताते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर कटअप रहा था, सीबीटी 1 में क्या कटअप रहा था, टोटल वैकेंसीज क्या रही थी, ऑनलाइन सर्वे जो कैंडिडेट के आए हुए हैं, उन लोगों ने अपने मार्क्स जो शेयर किए हैं, उन सारी डिटेल को भी मैं यहां पे आपको शो करता हूं। तो ये सारी डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। फिलहाल अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट जो भी अपडेट होगा वो चीजें मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करता हूं। साथ में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होने होते हैं उनके बारे में जो भी डिटेल होती है यहाँ पे आपको प्रोवाइड जरूर किया जाता है। एएलपी के कैंडिडेट को मैं और टेक्नीशियन कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना चाहिए। तो आई बटन में मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी प्रोवाइड करके रखी है, कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो सारा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है। तो डेफिनेटली आप उस पर विजिट करिएगा और वो चीजों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में कटअप आने के बाद, यानी कि फाइनली आप जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। तो यही एक मौका है जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो फाइनली बिना देर के हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए देखते हैं कि सीबीटी प्रीवियस ईयर कटअप क्या रहा था आरआरबी चंडीगढ़ के लिए। तो देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ का जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट था, वहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 52 मार्क्स पे सिलेक्शन मिला था, ओबीसी का 41 पे, एससी को 40 पे और एसटी कैंडिडेट को 39 मार्क्स पे। यहाँ पे टोटल सीबीटी वन का जो कटअप था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट था, वहां पे इनको इतने मार्क्स पे बुलाया गया था। वहीं देखते हैं कि आगे जो है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एएलपी के जो कैंडिडेट थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कितने मार्क्स के लिए बुलाया गया था। जनरल के लिए यहाँ पे 57 मार्क्स था, ओबीसी के लिए भी 57 था, ठीक है, दोनों का यहाँ पे देखिए इक्वल मार्क्स रहा था और इतने पे उनकी कटअप गई थी 57% पे, ठीक है, ये 57% है, ओके, ध्यान दीजिएगा। एससी का है 53% और एसटी का 44% पे गया था, यानी कि सीबीटी 1 का जो एग्जाम था, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट था वहां पे उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंटेशन देखने को मिला यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया। तो फिलहाल यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है, तो फाइनली आपका भी जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट था उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि फाइनल अलॉटमेंट कितने मार्क्स पे हुआ था एएलपी कैंडिडेट का। तो यहाँ पे देखिए, फाइनल अलॉटमेंट जो था 63% पे गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 58% पे गया था, एससी का 54% और एसटी का 40% पे। यहाँ पे टोटल आप कट ऑफ देख रहे हो जहां पे लोग फाइनल अलॉटमेंट हुआ था, फाइनली सिलेक्शन हुआ था एएलपी में। तो इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने देखा। अभी हम देखेंगे कि सीबीटी 1 का क्या कट ऑफ गया था इस बार, क्योंकि सीबीटी 1 कट ऑफ आपको बहुत हेल्प करता है और ये जानने में कि डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटेशन 2-5% का देखने को मिलता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, और बाकी ऑनलाइन सर्वे को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखते हैं सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ पे देखिए, आरआरबी चंडीगढ़ का, या मैंने चार्जशीट खोल के रखा है, यहाँ पे देखिए सीबीटी 1 का जो कटअप था असिस्टेंट लोको पायलट का 49 गया था, 49%, यानी 49 मार्क्स गया था। वहीं एससी का 36 गया था, एसटी का 25 और ओबीसी का 37 गया था। देखिए, बड़ा ही अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे यूआर और ओबीसी में, कि देखिए यहाँ पे यूआर का 49 था, यहाँ पे 37 गया, पूरे 11-12 मार्क्स का यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन मिला है। वहीं एससी और एसटी का तो और भी बहुत कम मार्क्स मिला है, तो देखिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। वहीं आईटीआई कैंडिडेटों की बात करें तो 40 नंबर गया था जनरल के लिए, 30 नंबर गया था एससी
एससी के लिए, एसटी के लिए 25 और ओबीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पे 30 किसी में 42 मार्क्स भी गया हुआ है। वहीं पीसीएम के कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे देखिए पीसीएम के जो कैंडिडेट हैं एसएनटी सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के, यहाँ पे 68 मार्क्स गया है। तो हाई मार्क्स रहा था पीसीएम के जनरल के कैंडिडेटों का। वहीं एससी की बात करें तो 57 गया था, एसटी का 46 और दूसरे वाले में 52 गया था। वहीं ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे 61 मार्क्स गया था। तो काफी देखिए हाई मार्क्स हमेशा से ही पीसीएम का रहा है और डेफिनेटली सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आएगा वहां भी थोड़ा सा मॉडरेशन इससे ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि 70 एवब ही रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल ऑनलाइन सर्वे में हम देखेंगे कि किन किन कैंडिडेटों का कितने मार्क्स आए हैं और उसके बिहाफ पे हम चीजों को तैयार करेंगे और क्या जाएगा एक्सपेक्टेड कटअप उन चीजों को हम देखेंगे। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन सर्वे में कैंडिडेटों का क्या मार्क्स आया, क्या रिस्पांस दिया है उन लोगों ने। यहाँ पे उन चीजों को देखना होगा और पता करना होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट जिन मार्क्स पे बिलोंग करते हैं लगभग लगभग उसी के आसपास आपका रिजल्ट भी होता है। तो यहाँ पे एवरेज एक मार्क्स निकाला जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा रिस्पॉन्स चंडीगढ़ के कैंडिडेटों का। यहाँ पे उन लोगों ने कमेंट किया है और अपने डिटेल प्रोवाइड की है हमें, जहाँ पे उन्होंने अपने नेम बताया है, यहाँ पे अपना नेम के साथ साथ अपने कैटेगरी को भी बताया है, सब कैटेगरी यहाँ पे बताया है, किस डेट में उनका एग्जाम हुआ था वो बताया है और शिफ्ट में क्या एग्जाम हुआ था वो बताया है। आगे हम देखेंगे कि कितने मार्क्स पार्ट ए और पार्ट बी में उन लोगों ने यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो ये पूरा डिटेल है, आरआरबी चंडीगढ़ के लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया और सबके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लोगों का यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी का यहाँ पे मार्क्स आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिए इनका 87 काफी हाई मार्क्स आया हुआ है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेटों का यहाँ पे देखिए कि आईटीआई कैंडिडेट है जिनके 38 मार्क्स आए हुए हैं। वहीं पे और भी आईटीआई कैंडिडेटों की यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे इनके 25 मार्क्स आए हुए हैं, बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं। वहीं पे आईटीआई की ये कैंडिडेट है इनके 38 मार्क्स आए हुए हैं। यहाँ पे और भी आईटीआई कैंडिडेट है देखिए 49 मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आईटीआई कैंडिडेट को ज्यादातर देखा जाए तो बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं, तो इसलिए ज्यादातर कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा बहुत ज्यादा हाई नहीं रहने वाला है। वहीं पीसीएम एंड डिप्लोमा कैंडिडेटों की बात करें तो देखिए बीटेक कैंडिडेट है 52, 60, 55, 55 मार्क्स आए हुए हैं। 10+2 है जो कैंडिडेट है उनका 77 मार्क्स आया हुआ है यहाँ पे, और भी 10+2 कैंडिडेट देखिए 70 मार्क्स आया हुआ है यहाँ पे, 10+2 कैंडिडेट जो 86 मार्क्स आया हुआ है, 90 मार्क्स आया हुआ है। तो इन लोगों ने कमेंट किया यहाँ पे 82 किया है, 73 किया है, यहाँ पे 57 किया है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों ने बहुत सारा कमेंट करके अपने अपने मार्क्स को यहाँ पे शेयर किया है। देखिए यहाँ पे 64 मार्क्स आया हुआ है, 10+2 का 71 मार्क्स आया हुआ है, तो अप्रोक्स में देखा जाए तो 70 एवब सबके मार्क्स आए हुए हैं, 80 एवब मार्क्स आए हुए हैं, देखिए 85 आया हुआ है, हाईएस्ट मार्क ये है देखिए यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 10+2 के देखिए 52, 50, 71 इस तरीके से मार्क्स गेन किए हुए हैं, यहाँ पे 78, 74, 81 यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लोगों ने गेन किया है और उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। तो इन चीजों को आप एवरेज हम अभी निकालेंगे, एवरेज में हमने कैलकुलेट किया है और उन चीजों के बेसिस पे ही आपको फाइनल अलॉटमेंट दिया है, फाइनल कटअप दिया है, चीजों को गेस करने के नहीं बल्कि चीजों को वेरीफाइड किया गया है। ठीक है, वेरीफाइड करने के बाद ही ये फाइनल कटअप दिया गया है आपको। तो फाइनल कटअप देखने से पहले एक चीज आपको जानना बेहद जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आरआरबी में नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल वैकेंसीज आरआरबी में जो कि चंडीगढ़ में क्या रही है। तो यहाँ पे देखिए 4,476 वैकेंसीज यहाँ पे आरआरबी चंडीगढ़ की है, जिसमें जनरल की 2,317, ओबीसी का 1,175, एससी का 638, एसटी का 348 वैकेंसी यहाँ पे रही है। और एएलपी के देखा जाए तो यहाँ पे 1,308, पीसीएम का 305 और आईटीआई का 2,863। बहुत ही लॉट ऑफ वैकेंसीज है और मार्क्स भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्क्स गेन नहीं हो रहा है लड़कों का। वहीं एलपी में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन होने वाले हैं, 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, साइको टेस्ट होना बाकी है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटेशन सीबीटी 1 से देखने को नहीं मिलेगा। पीसीएम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा कट ऑफ हाई मॉडरेट देखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुल 457 लोगों को सिलेक्शन किया जाना है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्वालिफाई भी किया है सीबीटी 1 में। तो फिलहाल चलते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, आपको मैं फाइनली दिखा देता हूं जनरल का यहां पे क्या कट ऑफ रहने वाला है, एएलपी एंड पीसीएम आईटीआई वालों का क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो देखते हैं यहां की एएलपी के जो कैंडिडेट है 54 से 59 के बीच में इनका कट ऑफ बन सकता है, और यहां पे अगर आपको मार्क्स आते हैं, इससे ऊपर आपके मार्क्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप श्योर हो जाओ, साइको की तैयारी करो बढ़िया से, प्रिपरेशन और फाइनल ली सिलेक्शन लो। वहीं ओबीसी की बात करें तो 52 से 57 के बीच में आपका कटअप रहेगा, 50 से 55 के बीच में एससी का और एसटी का 46 से 52 के बीच में यहाँ पे बनने वाला है। पीसीएम कैंडिडेट की बात करें तो 76 से 81 के बीच में, ओबीसी का 74 से 79 के बीच में, और
एससी की बात करें तो 72 से 77 के बीच में रहेगा और एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे 67 से 75 के बीच में यहाँ पे मार्क्स बनने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं आईटीआई वाले कैंडिडेट की बात करें तो 51 से 56 के बीच में यहाँ पे मार्क्स रहेगा। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 49 से 55 के बीच में, एससी का 47 से 52 के बीच में और एसटी का 42 से 47 के बीच में हमें मार्क्स रहेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा फाइनल अलॉटमेंट है आपका कट ऑफ का। ठीक है, और इतने मार्क्स अगर आप गेन करते हो तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो और आप फाइनली डीवी के लिए अगर आप पीसीएम आईटीआई से हो और एलपी से हो तो साइको के लिए जरूर तैयारी करिए, आपका लक चांस है और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और अगर आप नए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी दूसरे आरआरबी के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आपका कटअप अभी तक मैंने नहीं बताया है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए और अपने आरआरबी का नाम और अपना मार्क्स जरूर शेयर करिएगा ताकि उसके बिहाफ पे उन चीजों को कट ऑफ जो भी है उसे डिसाइड किया जा सके और हमारी जो एक्यूरेसी है 90% उसे मेंशन किया जा सके। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।